नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने लगे हैं आज, उसका नाम है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, किसी भी न्यूट्रल एटम को इन एनी न्यूट्रल एटम, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर एक चीज याद रख लीजिए कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर, न्यूट्रल का मतलब है जिस पार्टिकल पे, जिस एटम के ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट ना हो, किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, बराबर। ठीक है, ये दोनों हमेशा इक्वल क्वांटिटी में ही प्रेजेंट होते हैं। और एटॉमिक नंबर क्या चीज है? जैसे हम लिखते हैं, हमें आपने पिछले चैप्टर में भी देखा कि हम लिखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, देन हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, फिर लिथियम आ जाएगा 3, फिर देन बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इस तरह से काउंटिंग चलती है। तो मैं आपको अगर पूछूं कि लिथियम को थर्ड नंबर पे क्यों रखा गया, लिथियम का नंबर 1 क्यों नहीं लिखा, या लिथियम को फर्स्ट नंबर पे क्यों नहीं रखा गया, तो इसका आंसर क्या है? ये चीज, ये जो इनके एटॉमिक नंबर है, इनको बोलते हैं हम इनके एटॉमिक नंबर। ये जो एटॉमिक नंबर हैं, ये बेसिकली क्या होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि अभी हमने कहा कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल क्वांटिटी में होते हैं। इसका मतलब तो ये हो गया ना कि किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, वही उसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर। जैसे अब हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन में देखा गया, जब हमने हाइड्रोजन को देखा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो उसके अंदर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब एक और एक प्लस करके दो नहीं कर देने, ऐसा नहीं करना कभी भी। कितने प्रोटॉन्स हैं उसका एटॉमिक नंबर उतना, ठीक है। इसके अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है इसलिए इसका एटॉमिक नंबर हो गया 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तभी 1 है। हीलियम को देखा गया, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 कैसे आया, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन प्रेजेंट है तभी उसका नंबर 2 रखा गया। इसी तरह कार्बन को 6 क्यों, क्योंकि कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और उसके बाहर न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के बाहर क्या प्रेजेंट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर को हम डिनोट करते हैं जेड सिंबल से, ठीक है। एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या है, जेड, ठीक है। जेड क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब मास नंबर की बात करें, हर एक एलिमेंट का कुछ मास है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में ये भी पढ़ा, कार्बन का मास कितना है, कार्बन का मास हम लिखते हैं 12, ऑक्सीजन का मास हम लिखते हैं 16, नाइट्रोजन का 14। ये किस बेसिस के ऊपर आए, इनका मास किस तरह से हम डिसाइड करते हैं। लिथियम का मास कितना है, 7। ये जरूरी नहीं है कि आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है, जैसे यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करने पर तो ये आ रहा है, बट यहाँ पर नहीं, ठीक है। इसलिए आप दिमाग में रखें कि इनका मास नंबर कितना है और कैसे है। मास नंबर बेसिकली होता क्या है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी एलिमेंट के अंदर, मींस किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स और कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, उन दोनों के सम को, उन दोनों के प्लस को हम बोलते हैं मास नंबर, जिसका सिंबल ए लिखा जाता है। ए मतलब एटॉमिक नंबर नहीं है, ए का मतलब होता है मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब किसी भी एटम की रिप्रेजेंटेशन करनी हो,
तो वो कैसे करेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, किसी एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़्यादातर लेट कर लो कोई एक्स एलिमेंट है या कोई एक्स एटम है हमारे पास, उसको मैंने अगर रिप्रेजेंट करना तो मैं इस तरह से करूँगा, ऐसे या ऐसे, ठीक है। ये दोनों तरीके सही हैं, चाहे आप ऐसे शो कर लो चाहे आप इस तरह से ऐसे शो कर लो, बट हमेशा मास नंबर ऊपर आएगा और एटॉमिक नंबर नीचे। जैसे एग्जांपल दूं, जैसे कार्बन की बात करें, हमें पता है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन का एटॉमिक नंबर मैंने लिखा है 6 आएगा नीचे, मास नंबर कितना है 12 आएगा ऊपर, ठीक है। ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, दोनों मेथड एक ही हैं, ठीक है। ये हो गया कार्बन। इसी तरह से अगर मैंने ऑक्सीजन लिखना है तो ऑक्सीजन में आएगा 8, 16 या ऐसे, ठीक है। ये हो गया मेरा रिप्रेजेंटेशन। अब आपको एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। जैसे मान लो एन एटम इज रिप्रेजेंटेड एज, आपको कहा गया है कि एक एलिमेंट को, एक एटम को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, आप इसके बारे में डिटेल में सब कुछ बताएं। तो हमें सबसे पहले देखना है कि एलिमेंट कौन सा है, ये एटम कौन सा है। इसके अंदर हम देखेंगे कि एटम कौन सा है, एटम कौन सा है, Na कौन सा होता है, Na होगा सोडियम। उसके बाद आएगा इसका एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर जिसको Z से लिखते हैं वो कितना है, इसका 11, ठीक है, एटॉमिक नंबर आ गया 11। देन आएगा मास नंबर, मास नंबर मीन्स A, एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे वाला, मास नंबर हमेशा ऊपर वाला, मास नंबर आ गया मेरा A जिसको 23 वैल्यू आ गई। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसके अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, हमें पता है कि किसी चीज़ के अंदर जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही उसमें प्रोटॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर मेरे को पता है 11 है, इसका मतलब इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, 11। सिमिलरली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अब ये भी पता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बराबर है, इसका मतलब हो गया कि इसके अंदर 11 अगर प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, वो भी 11, ठीक है। अब देखेंगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये थोड़ा टफ है। न्यूट्रॉन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसके लिए देखना ध्यान से। हमें पता है कि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास नंबर क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब मेरे को पता कि मास नंबर कितना है, 23। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, ये मैंने अभी कैलकुलेट किए हैं, 11। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन लेट इट बी एन। अब मैं करूँगा इसको इस साइड शिफ्ट करूँगा तो 23 माइनस 11 इज इक्वल्स टू एन, मीन्स ये आ गया मेरा 12। इसका मतलब हो गया कि मेरे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए, 12। अगर आपको सिंपल वे आपको बताऊँ एक, तो क्या करना है आपने, हमेशा इसमें से इसको कर दो माइनस, जितनी ऊपर वैल्यू हो उसमें से नीचे वाली वैल्यू को माइनस करो, तो मेरा क्या आएगा, हमेशा मेरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे।